नमस्ते दिल्ली, आदाब। कैसे हैं आप? अभी शादी हुई है? नहीं, तो मुबारक। प्यार और इश्क का असली फर्क समझ में आया है। इसीलिए आज हार्ट ब्रेक वाली कविताएं भी लेकर आई हूँ। 1.5 महीना हो चुका है। तो मैं ट्रेडिशनल शायरी नहीं लिखती, मैं नसरी नज़में लिखती हूँ, राइट? एंड अलग अलग टाइप की नज़में होती हैं, और आपको तो पता है, एक ताली इनके लिए। आज़ाद नज़में, पाबंद नज़में और नसरी नज़में। नसरी नज़में जो होती हैं उसमें काफ़ी और रदीफ की पाबंदी नहीं होती, बहर की भी पाबंदी नहीं होती। और मैं सोशल मीडिया की शायरा हूँ और बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है? और नसरी नज़मों में भी बहुत खूबसूरत आहंग होता है। तो पार्टीशन के बाद नसरी नज़में बहुत ही पॉपुलर हो गई, और पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि उसमें इतनी आज़ादी थी। सचमुच में आप मुझसे पूछें तो वो असल में आज़ाद नज़म है, बिकॉज उसमें इतनी आज़ादी है आपके पास, राइट? यू राइट अ नैरेटिव पोइट्री। फ्रेंच पोइट्स, यू हैव बॉडलिन, यू हैव मलोर्ने, यू हैव कमर जमील जी, जो बहुत नसरी नज़में लिखते हैं। तो ये पहली जो नज़म है ये दिल्ली के लिए है, और इरशाद, मेरे जो शौहर हैं, मेरा ससुराल दिल्ली में ही है, दिल दिल्ली में ही है, और वो हमेशा कहते हैं कि प्रिया दिल्ली मूव हो जाते हैं बम्बई से, लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक दिक्कत है कि दिल्ली में पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। तो इस नज़्म का नाम है ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। शुरू करें? चलिए जी, बिल्कुल। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मिलती है तो बस बीच सर्दियों में अचानक बारिश की बूंदें। क्या बात! नई दिल्ली में भी कुछ पुराने से कूचे, खाली सड़क पर पीछे हुए अमलतास के फूल, इंडिया गेट पर चढ़ी हुई कुर्बानी की धूल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बंगला साहिब से आती गुरबानी की आवाज, ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मिलता है तो बस निजामुद्दीन औलिया की आजान का सुकून। इश्क से भी ज्यादा गर्म, गौर फरमाइए, इश्क से भी ज्यादा गर्म मई और जून। पुरानी दिल्ली के हर कोने में कुछ नई दास्तानें, बड़ी बड़ी मॉल्स और बिल्डिंग्स, और उससे भी बड़े सरकार के वादे। उर्दू जुबान साफ करती है यहाँ की प्रदूषित हवा, उर्दू जुबान साफ करती है यहाँ की प्रदूषित हवा। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। फिर भी अगर चलानी है आपको अपने प्रेम की गाड़ी, तो ऑड इवन की कर लीजिए तैयारी। मीर ने इश्क करना भी दिल्ली से ही सीखा है, जंगे इश्क हो या ऐलान जंग, सब कुछ दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, लेकिन बाकी सब कुछ सिर्फ यही तो मिलता है, है ना? चलिए, मैं ना अपनी कविताएं रेखा के मेन्यू में लेकर आई हूँ, तो अगर गलती से मैं एकदम टुंडे कबाब पढ़ने लग जाऊं, या खानदानी पकौड़े, या मंगला चाट, तो माइंड मत करिएगा। तो एक मेरी कविता है जिसका नाम है मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। किस किस ने सुनी है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब ये कविता आई थी ना, तो काफी इसको प्यार भी मिला, इश्क भी मिला, आक्रोश भी मिला, और लोगों ने कहा, अरे ये क्या बात है, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, प्यार और इश्क में क्या फर्क है? हाँ, सिर्फ जुबान का फर्क है, प्यार हिंदी है, इश्क उर्दू है। लेकिन मैं पोएट हूँ, क्रिएटिव लाइसेंस लेती हूँ, सूफी इश्क के बारे में पढ़ती हूँ। तो सूफी इश्क के 7 पड़ाव होते हैं, आप लोग जानते हैं सूफी इश्क के 7 पड़ाव? अच्छा, उसमें है पहला पड़ाव दिलकशी, विच इज अट्रैक्शन, जो होपफुली रेखता में आप लोगों को एक दूसरे को देखकर हुई होगी। हाँ, खानदानी पकौड़े खाते हुए, मंगला चाट खाते हुए एक लड़की को देखा और दिलकशी हो गई। दूसरा जो स्टेज है लव का, इश्क का, वो है उन्स, विच इज इन्फैचुएशन।
तीसरा पड़ाव अकीदत यानी कि ट्रस्ट, चौथा पड़ाव इबादत वर्शिप, आप खुदा मानने लगते हैं अपने लवर को, हुँ? उसके बाद पड़ाव है मोहब्बत यानी कि प्यार। तो प्यार इश्क का एक पड़ाव है अगर आप सूफी इश्क की बात करें। उसके बाद है जुनून, हुँ? मैडनेस, और सातवां पड़ाव है मौत। इसका ये मतलब नहीं कि आप मर जाएं, इसका मतलब आपके अंदर की ईगो, आपके अंदर की खुद ही मर जाए। और जब आप ये सातों पड़ाव पूरे कर लेते हैं इंक्लूडिंग प्यार, तब आप इश्क की तरफ आते हैं। तो कविता का नाम है मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, सुनेंगे? चलिए, इजाजत है। कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो मुझे वो उपन्यास चाहिए। हर्फ अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाजों पे इखलास यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में जेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए। जो बेमिसाल बेनजीर बेलौस हो मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं हॉलमार्क का कार्ड नहीं, मुझे बेशुमार लिहाज चाहिए। डेट पर जाना नहीं, मुझे रक्से परवाज चाहिए। महंगे होटल का खाना नहीं, मुझे अपने वजूद का मुकाम चाहिए। स्माइली के इमोटिकॉन्स नहीं, मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं, मुझे हकीकत में एक रियल रोमांस चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं। अहदे वफा के वादे मुझसे मत करो, ख्वाब मुझे दिखलाओ नहीं। फिल्मों के एक तरफा रोमांस को मुझसे दूर रखो, दिखावे का साया भी नहीं। मुझे मत बताओ कि समाज में आदमी और औरत में कोई फर्क है, मुझे मत बताओ कि समाज में आदमी और औरत में कोई फर्क है। मेरे साथ बैठो और ये बताओ, क्या इस बात में कोई तर्क है? हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं, जैसे नज्मों में नहीं, हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं, ना हो रजामंदी की मुराद। हम फकत अपने में खोए हुए नहीं, हम हो होशमंद और आबाद। क्योंकि इश्क वो नहीं जो दो लोगों के बीच में लाए दूरियां, इश्क वो नहीं जो दो लोगों के बीच में लाए दूरियां, इश्क वो नहीं जिसमें हो सिर्फ रंजिशें और ईर्ष्या। इश्क वो है जो दे इनायत तेरे मेरे दरमियां। तो अगर सुन रहे हैं तो ये सुनिए और इस बात को पहचानिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी चाहिए। बेबाक बेखौफ बेतकल्लुफ बंदगी चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं। मांग नहीं रही हूँ, हकदार हूँ इसकी। बात को, बात को, बात को, बात को। तो स्पेशली रेखता के लिए एक हमारा शो आ रहा है बम्बई में और मैं उसके लिए अभी कुछ नज़में लिख रही हूँ। और मैंने कहा मैं यहाँ आई हुई तो पहले आप लोगों को सुना दूँ, दिल्ली वालों को सुना दूँ, एक आध तो सुनी लेंगे। तो ये सीक्वल है, ये सीक्वल है प्यार और इश्क का। तो मैं कुछ इसमें आपको सिचुएशंस दूंगी और आपको इसमें मेरा साथ देना है, हाँ शिरकत करनी है। आपको बताना है कि मैं प्यार की बात कर रही हूँ या इश्क की। शुरू करें? हाँ, इसी सिलसिले की नज़्म है जी। प्यार और इश्क दोनों एक जैसे नहीं होते क्या? आंखों का मिलना प्यार है, आंखों का मिलना दिल का धड़कना, कलियों का फूल बन जाना प्यार है, तितलियों का फूल पर मंडराना प्यार है, फूल का पत्तियों की तरफ रुझान प्यार है, पत्तियों का सूरज की रोशनी पर ध्यान, सूरज को खुद में समेटता हुआ आसमान प्यार है, उन्मुक्त गगन में पंछी की उड़ान। लेकिन अब इश्क की बात करते हैं। किसी तारे का टूटकर सिर्फ इसलिए गिरना क्योंकि वो धरती से एक बार मिलना चाहता है। किसी चांद का बादलों में इसलिए घिरना क्योंकि वो बादलों को गले लगाना चाहता है। किसी नदी का सूख जाना क्योंकि वो उस जानवर से प्यार कर बैठी, इश्क कर बैठी जो तैर नहीं सकता। किसी मछली का जाल में अपने आप ही फंस जाना क्योंकि उसे पता है कि मछुआरा भूख सह नहीं सकता। किसी मछुआरे का उस मछली को वापस नदी में डाल देना क्योंकि वो उसे तड़पता हुआ देख नहीं पाया।
किसी इंसान का जो नदी के पुल के पार खड़ा हुआ ये सब देख रहा था वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाना इश्क है। किसी का उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उस इंसान को एक बार फिर देखकर गले लगाना। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है, जो आज भी फर्क नहीं समझ पाए। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है, जो आज भी फर्क नहीं समझ पाए, वही तो इन रास्तों में गुमनाम है। ऑलमोस्ट एंड पर आने वाली हूं, लेकिन देखिए हम हमतन गोश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अब शादी हो जाती है ना, तो आपके सारे पुराने इश्क एकदम से कहीं से उभर के आते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर, ईमेल्स में। हाँ, इश्क के साथ वो मुकाम पूरे हो चुके हैं मेरे, इसीलिए शादी कर ली सर। तो पुराने इश्क की बात है, तो एक ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, गौर फरमाइए। मुझे ऐसे ना देखो, मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूं। मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूं। इश्क तुम्हारा था, इश्क तुम्हारा था, मैं आशिक किसी और की हो चुकी हूं। कहा था तुमसे, कहा था तुमसे कि याद करोगे मेरे जाने के बाद भी मुझे। कहा था तुमसे कि याद करोगे मेरे जाने के बाद भी मुझे। काट कर देख अपनी नसें, काट कर देख अपनी नसें, मैं नब्ज किसी और की हो चुकी हूं। बहुत रोई थी मैं उस दिन जिस दिन तुम्हारा साथ छूटा था। बहुत रोई थी मैं उस दिन जिस दिन तुम्हारा साथ छूटा था। अपनी हथेली को देख मैं तकदीर किसी और की हो चुकी हूं। लबों की लर्जिश तो क्या नहीं चूम सकते तुम अब माथा भी मेरा। सॉरी लबों की लर्जिश तो क्या नहीं चूम सकते तुम अब माथा भी मेरा। तुम रांझा थे मेरे लेकिन अब मैं हीर किसी और की हो चुकी हूं। मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूं। मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूं। नो कंसेंट। चलिए, दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो लिखी हैं और इसके साथ ही मैं एंड करूंगी। मैम, टाइम है हमारे पास? जी जरूर जरूर। मुंबई के लिए भी कुछ कह दो। दिल्ली की हो चुकी। अच्छा, मुंबई को बोल दो कि मैं दिल्ली की हो चुकी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअली पता है, मैं दिल्ली में ही जवान हुई हूँ। मैं पैदा तो देहरादून में हुई थी, लेकिन 18 साल की उम्र में मैं दिल्ली आई थी। तो दिल्ली मेरा सबसे बड़ा शहर था, और पहली बार मॉल्स भी मैंने दिल्ली में ही देखी, बिल्डिंग्स भी दिल्ली में ही देखी, इश्क भी दिल्ली में ही हुआ था। बट वो पुराना वाला था जिसके लिए पिछली वाली नज्म लिखी है कि अब मैं किसी और की हो चुकी। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, ऐसे ही नहीं कहा था मीर ने? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भूल गई थी तुम्हें, ठीक है, पुराने इश्क को बता रही हूँ, दिल्ली वाले को। वापस दिल्ली में आए, देखिए। मैं भूल गई थी तुम्हें, फिर अचानक तुम्हारे नाम के किसी शख्स से मुलाकात हो गई। मैं भूल गई थी तुम्हें, फिर अचानक तुम्हारे नाम के किसी शख्स से मुलाकात हो गई। मैंने बार 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 उससे सिर्फ उसका नाम पूछा। मैंने बार 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 सिर्फ उससे उसका नाम पूछा, और मेरी तो पूरी बात हो गई। उसे लगता है कि मेरी सारी नज्मों पर सिर्फ उसका नाम है। उसे क्या पता, ये लिखना पढ़ना तो फकत मेरा काम है। उसे लगता है कि मेरी सारी नज्मों पर सिर्फ उसका नाम है। उसे क्या पता, ये लिखना पढ़ना तो फकत मेरा काम है। नहीं लिखती हूं मैं कुछ भी उसके बारे में सोचकर।
नहीं लिखती हूं मैं कुछ भी उसके बारे में सोचकर, ठीक उसकी तरह मेरी कलम भी बेईमान है। धीमी सी आंच पर मोहब्बत पक रही है, धीमी सी आंच पर मोहब्बत पक रही है, जरा चख के देखिए, आज खाने में मिर्च थोड़ी ज्यादा लग रही है। और मैं बस जाते जाते ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग कला को और भाषा को कैद करने की कोशिश करते हैं, और यही डर है कि इस खौफ से बहुत बच्चे नहीं लिखते। जो अर्बन हाउसहोल्ड्स में, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में, हम लोग अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग शहरों की अपनी अलग अलग जुबान होती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई उर्दू, कोई अंग्रेजी, और इस डर से कि आप खालिस तरीके से नहीं बोलते, या आपका तलफ्फुज ठीक नहीं है, या बहर में नहीं लिखते, आज़ाद नहीं लिखते, पाबंद नहीं लिखते, नसरी नहीं लिखते, लोग कहते हैं कि लिखो मत। मैं जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप में से जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए, ठीक है, और ये उनके लिए है। वो कहते हैं लिखना छोड़ दो, ठीक है, नहीं लिखूंगी। वो कहते हैं लिखना छोड़ दो, ठीक है, नहीं लिखूंगी। वो कहते हैं पढ़ना छोड़ दो, वो कहते हैं पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, नहीं पढ़ूंगी। कहना तो उनका काम है क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं, कहना तो उनका काम है क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं। आज एक बार फिर कह के देखिए ना, कसम से ब्लॉक नहीं करूंगी। वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है, वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है, इसे यलगार ही समझना, ये कोई गुहार नहीं है। वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है, इसे यलगार ही समझना, ये कोई गुहार नहीं है। कीबोर्ड के पीछे बैठकर क्यों वार करते हो, मुझे सब पता है। कीबोर्ड के पीछे बैठकर क्यों वार करते हो, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है हम होशियार नहीं है? किसी औरत की इज्जत उछालना एक गैरतमंद इंसान का हथियार नहीं है, किसी औरत की इज्जत उछालना एक गैरतमंद इंसान का हथियार नहीं है। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, आप उर्दू अदब के ठेकेदार नहीं हैं।